डेफिनेटली मुझे लगा कि काफ़ी अनफेयर रहा, बिकॉज आई फील एविक्शन का पावर सिर्फ ऑडियंस के पास होना चाहिए, ना कि कंटेस्टेंट्स के पास। निकली गई थी तो कंटेस्टेंट्स की मर्जी से, अगर शायद भेजी जाऊँ तो आई होप कि ऑडियंस की मर्जी हो, कि ऑडियंस जिसे भी देखना चाहती है उसे मौका मिले घर के अंदर जाने की। जिस इंसान को इतनी मेडिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है उनके लिए ये सेफ़ नहीं है ऐसे एनवायरनमेंट में रहना, जहाँ इतनी लड़ाई झगड़े, इतने टास्क होते हैं। सो नॉट दैट शी डिजर्व्स टू बी आउट, बट आई फील दैट शी नीड्स टू बी इन अ मोर सेफर एंड अ कामर। ओके, सो सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, घर से बाहर आने के बाद में ये वातावरण और ये सब कितना एंजॉय कर रही है, कैसा? बिल्कुल एंजॉय कर रही है, ये मेरा दूसरा तीसरा दिन है ये वातावरण एंजॉय करने का। एंड इट्स नाइस, इट्स फन, एक बहुत अच्छा चेंज है ये मेरे लाइफ में। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बिग बॉस। आई मीन बिग बॉस के वजह से मुझे प्यार मिल रहा है, जो मैं हूँ उसके लिए मिल रहा है। एंड देयर इज नो ग्रेटर फीलिंग इन द वर्ल्ड टू बी लव्ड फॉर हू यू आर, राइट? सो आई वुड थैंक एवरीबॉडी इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट। कल आपको डोनल्ड का जो इविक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आपके फैंस के लिए भी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? आपके लिए कितना शॉकिंग रहा आपका? डेफिनेटली मुझे लगा कि काफ़ी अनफेयर रहा, बिकॉज आई फील एविक्शन का पावर सिर्फ ऑडियंस के पास होना चाहिए, ना कि कंटेस्टेंट्स के पास। बिकॉज ये शो हम बनाते हैं ताकि ऑडियंस एंटरटेन रहे, सो दे शुड हैव द पावर कि वो किसको देखना चाहते हैं किसको नहीं। बट ऑल्सो इन द मीन वाइल आई एम अ बिलीवर ऑफ डेस्टिनी। मुझे लगता है कि आपको ज़िंदगी में उतना ही मिलता है जितना आपके नसीब में लिखा होता है। सो आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई हैव, और अब मैं इस वातावरण का मज़ा ले रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ और अपने करियर पे थोड़ा और। बट कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप घर के अंदर रह पाती तो और विधि जो है उससे लोग जान पाते और आप अपने आप को और ज़्यादा उभर कर दिखा पाती हूँ। मैं डेफिनेटली अपने आप को और एक्सप्लोर कर पाती, मैं अपने आप को भी पहचानती, एक्सपीरियंस करती कि मैं कैसे सिचुएशंस में कैसा क्या रिएक्ट करती हूँ। बट अब जो चीज़ हो ही नहीं सकी उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहती। इनफैक्ट आई वॉन्ट टू थिंक ऑफ कि मेरे आगे अब क्या है और मैं कैसे अपने और सपने हासिल कर सकती हूँ। वेल, डबल इविक्शन जब हुआ है बिग बॉस के घर में, तब वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई है उनका कंटेस्टेंट्स की। क्या लगता है अगर ऐसा होता है तो आप अंदर जाना चाहेंगे? आई डोंट नो, अब निकली गई थी तो कंटेस्टेंट्स की मर्जी से, अगर शायद भेजी जाऊँ तो आई होप कि ऑडियंस की मर्जी हो, कि ऑडियंस जिसे भी देखना चाहती है उसे मौका मिले घर के अंदर जाने का। एंड अगर ऐसा मौका मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में सोचूँ। अगर बात की जाए तो कौन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहा, किसके साथ में गेम खेलने में मज़ा आया? आई थिंक गेम सभी खेल रहे थे सिवाय मेरे। आई फील बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा लेजी थी, आई वॉज लाइक अ पांडा, जो मुझे दिया गया था ना, बिकॉज मेरा दिमाग तो चलता नहीं है ये गेमिंग प्लानिंग प्लॉटिंग में। आई वॉज जस्ट लिविंग माई लाइफ एंड मेकिंग फ्रेंड्स एंड हैविंग अ गुड टाइम। तो मैं जिसे सपोर्ट कर रही हूँ वो है करण, उमर, जय एंड तेजस्वी। आई होप कि इन्हीं में से कोई। वेल, घर के अंदर सारे के सारे प्लानिंग और प्लॉटिंग कर ही गए हैं कि तभी तो शो की शुरुआत से ही बहुत कुछ देखने के लिए मिल गया है। अभी तो काफ़ी कम दिन हुए हैं, तो इस चीज़ के ऊपर क्या कहना चाहेंगी? कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपको भी प्लानिंग प्लॉटिंग करके जाना चाहिए था तो अच्छा रहता। नो, आई डोंट नो, बिकॉज आई फंक्शन वेरी डिफरेंटली इन लाइफ, एंड स्पेशली गेम शो है, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करे कुछ गलत नहीं करे, बिकॉज इट्स अ गेम शो एट द एंड। बट इट्स ऑल्सो अ शो वेरी शो योर पर्सनैलिटी। तो मेरी ये पर्सनैलिटी नहीं है, मैं अपने असल ज़िंदगी में गेमिंग प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करती। टास्क आता है तो डेफिनेटली इट्स अ माइंड गेम, आपको दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। बट आई एम नॉट दैट पर्सन, आई जस्ट गो विद द फ्लो, और जो मुझे सही लगता है जैसा लगता है मैं वैसे काम करती हूँ। वेल, जिस तरह से कंटेस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे, परफॉर्मेंस तो अभी भी जारी है, लेकिन शो की टीआरपी में कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ गया है। क्या लगता है क्या वजह हो सकती है शो की? तो हसीनाओं को निकाल दिया गलत करके, पता नहीं क्या है। आई थिंक मे बी इट्स गेटिंग अ लिटिल टू एग्रेसिव, जो भी हम मतलब मैंने ऑनेस्टली 3-4 दिन से नहीं देखा है जब से मैं बाहर आई हूँ। आई नीड टू कीप एन आई कि हो क्या रहा है, और मैं अपने फीडबैक्स या जो मुझे लगा वो मैं अपना शेयर भी करूँगी, अपना थॉट्स। बट आई डोंट नो क्या रीज़न है कम होने का, बट आई होप मेरे दोस्त अंदर है, मैं ये चाहती हूँ कि उन्हीं में से कोई एक जीते। बट आपको क्या लगता है अगर कोई निकलना चाहिए था तो कौन होना चाहिए था? बहुत लोग मतलब बाहर आने का मुझे रियलाइज़ हुआ है कि वो सिम्बा, आकाशा, ईशान, मायशा इज़ अ फ्रेंड, बट आई फेल्ट कि ईशान और मायशा सिर्फ एक दूसरे के लिए करते थे चीज़ें, उनका वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस चला गया था। सिंस दे वर इन लव, प्यार में होता है ऐसा, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट आई फील ये 3-4 लोग हैं जो मुझे लगता है कि एंड अफसाना जी बिकॉज उनकी बिकॉज शी इज़ नॉट यू नो फाइन, तो मुझे लगता है कि जिस इंसान को इतनी मेडिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है उनके लिए ये सेफ़ नहीं है ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहाँ इतनी लड़ाई झगड़े इतने टास्क होते हैं। सो नॉट दैट शी डिजर्व्स टू बी आउट बट आई फील दैट शी नीड्स टू बी इन अ मोर सेफर एंड अ कामर प्लेस। सो ये 3-4 नाम। पर घर के अंदर जो कनेक्शंस बने हैं वो कितने सही रियल या फेक लग रहे हैं आपको? मेरे घर के अंदर कनेक्शंस बने देखो, मैं मायशा से काफ़ी क्लोज रही हूँ लेटली एंड उससे मेरी इस टॉपिक पे बात भी हुई है। मैंने उसे खुद पूछा है कि यार कैसे क्या भाई हाउ इज इट, सो शी सेड शी इज़ इन लव एंड शी रियली लव्स ईशान एंड इट्स वाइस वर्सा। सो आई थिंक हमें लोगों को ना अभी कम जज करना चाहिए, और अगर वो खुश हैं और अगर वो प्यार में है और उनका प्यार किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है देन वी शुडंट थिंक टू मच अबाउट देम, वी शुड जस्ट लेट देम बी एंड यू नो बी इन लव। आई होप ये सब अच्छा